हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आपके बड़ा कमाल का होने वाला। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय AWS, जिसका नाम है भाई EC2। इसका मतलब क्या है कि भैया इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब दोस्तों टू स्टार्ट विद दिस वीडियो में सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो AWS है इसके अंदर कई सारे डोमेन्स है। देर आर डिफरेंट डोमेन्स इन AWS, जैसे कंप्यूट एक डोमेन है, माइग्रेशन एक डोमेन है, उसके बाद स्टोरेज एक डोमेन है, डेटाबेस एक डोमेन है, सिक्योरिटी एक डोमेन है, एनालिटिक टूल एक डोमेन है। इस तरीके से बहुत सारे डोमेन्स है बराबर, और हर एक डोमेन में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो है वो AWS अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है। तो अभी सवाल ये उठता है कि भाई ये जो सर्विस है That is EC2, it's nothing but a service. ये किस डोमेन को बिलोंग करती है, ये सर्विस किस डोमेन को बिलोंग करती है? तो ये कंप्यूट डोमेन को बिलोंग करती है। EC2 is a service which belongs to the compute domain of AWS, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड एक सर्विस है, तो ये सर्विस अपने यूजर्स को क्या प्रोवाइड कर रही है भाई, ये तो बताओ, ये तो समझाओ। तो ये सिंपली प्रोवाइड करता है सिक्योर एंड रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन क्लाउड। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? सिक्योर। जो पूरा EC2 का एनवायरनमेंट है वो पूरा सिक्योर रहता है बराबर। सिक्योरिटी इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द AWS एंड EC2, जो कि वो उनके यूजर्स को देना चाहते हैं। तो एक सिक्योर एनवायरनमेंट है एंड प्लस रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी, मतलब आपकी जितनी कंप्यूट कैपेसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस आपको जितनी लग रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है, उस हिसाब से आप उसको रिसाइज कर सकते हो। जैसे सिंपल नाम में इलास्टिक है यार, इलास्टिक मतलब इलास्टिक बैंड, उसकी साइज फिक्स थोड़ी ना होती है। एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिमांड आप उसको रिसाइज कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूट कैपेसिटी जितनी आपको लग रही है, जितनी अभी अभी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उसको रिसाइज कर सकते हो कंप्यूट कैपेसिटी को, यानी कि स्केल कर सकते हो। स्केलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद obviously it is in cloud, it is performed in cloud, लेकिन इसकी वजह से EC2 सर्विस की वजह से किसका काम काफी आसान हो गया है, किसको ज्यादा सहूलत प्रोवाइड करता है ये सर्विस, वो है डेवलपर। ये जो डेवलपर्स है उनका काम काफी आसान कर देता है, it provides an ease to the developers। उसके बाद आते हैं उसके कुछ फीचर्स के ऊपर कि भाई यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन फीचर्स है। स्केलिंग, जैसे कि मैंने बताया था, स्केलिंग बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली EC2 में करते क्या हो, कुछ इंस्टेंसेस को क्रिएट करते हो, लॉन्च करते हो बराबर। अब वो जो इंस्टेंसेस है उनको आप स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो। कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ गई है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप इंस्टेंसेस स्केल अप कर सकते हो, इंस्टेंसेस को स्केल अप कर सकते हो, ताकि आप उन रिक्वेस्ट को, उन डिमांड्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को हैंडल कर सको। अगर आपको जरूरत नहीं है ज्यादा, अभी कुछ डिमांड ही नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप इजीली उसे स्केल डाउन कर सकते हो। और ये सिर्फ कुछ क्लिक से आप कर सकते हो, 2-3 क्लिक करने पड़ेंगे आपको और स्केल अप हो जाएंगे आपके इंस्टेंसेस, स्केल डाउन हो जाएंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कैन बी इंक्रीज, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कैन बी डिक्रीज एज पर द डिमांड, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। तो भाई ताकत यहां पे यूजर के हाथ में है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी ताकत यूजर के हाथ में, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी ताकत उस हाथ में है, यूजर के हाथ में, एज पर द EC2 इज कंसर्न एंड AWS is concerned, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया इंटीग्रेटेड, यस इंटीग्रेटेड विद द अदर सर्विसेज। जैसे मैंने बताया था बहुत सारे डोमेन्स है AWS में, और हर डोमेन में कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है यूजर्स को बाय द AWS। तो इतने सारे सर्विसेज हैं, उन सारे सर्विसेज के साथ आपका जो EC2 है वो इजिली इंटीग्रेट हो सकता है। यहाँ पे कुछ बेसिक मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, S3 एंड RDS, ये भी एक बेसिक काइंड के सर्विसेज है प्रोवाइडेड बाय द ऑब्वियसली Amazon वेब सर्विसेज, जिनके साथ EC2 कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड, उनके साथ काम कर सकता है वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये बहुत ही प्राइमरी इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट है, इसी के ऊपर तो पूरा दारोमदार है, पे फॉर व्हाट यू यूज। जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा पे करो, आप खुद डिसाइड करो आपको कितना यूज करना है, आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, आपको कितने इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं, आपको कितने सर्वर चाहिए, आप खुद डिसाइड करो और उसके हिसाब से पैसे दो। दे आर नॉट फोर्सिंग यू टू यूज दिस मच, दे आर नॉट फोर्सिंग यू, यू हैव द चॉइस, आपके पास चॉइस है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ EC2 एंड AWS कि भाई आपके पास चॉइस है, व्हाट यू यूज, आप जो यूज करोगे उतने के लिए पे कर दो, जितने टाइम के लिए यूज करोगे उतने के लिए पे कर दो। सो आवरली बेसिस पे मोस्टली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंसेस या जो रिसोर्सेज हैं आपके उनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं और उसके लिए पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इंस्टेंसेस कैन बी लॉन्च्ड इन वन और मोर रीजंस एंड AZ, यानी availability zones। तो इससे ठीक पिछले वीडियो में AWS का जो global infrastructure है उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो पूरा का पूरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है AWS का, वो दो इसमें डिवाइडेड है, दो फील्ड्स में डिवाइडेड है, एक तो regions है और regions के अंदर के availability zones है। So a region can compose of more than one availability zones and availability zone can consist of one or more discrete data centers, जहां पे आप
अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च कर सकते हो। सो दीज इंस्टेंसेस कैन बी लॉन्च्ड इन एक या एक से ज्यादा रीजंस या फिर अवेलेबिलिटी जोन्स में लॉन्च किया जा सकता है इंस्टेंसेस को व्हेन वी आर कंसीडरिंग EC2। ठीक है, उसके बाद आता है सपोर्ट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, यहाँ पे जैसे मैंने बात की ना चॉइस की, फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है फ्लेक्सिबिलिटी की किस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको चूज करना है। अमेजोन लिनक्स है, उबंटू के कई सारे वर्जन है, फिर उसके बाद विंडोज के कई सारे वर्जन है, तो यहाँ पे सपोर्ट है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट है और आपके पास एक चॉइस है, आपके हाथ में एक चॉइस है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइडेड है कि कौन सा आपको यूज करना है और कंसीडरेशन में लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी की तरफ, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी की तरफ। वर्क्स विद Amazon VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इट वर्क्स विद, सो ये जो आपका EC2 है इट इज वर्किंग विद द VPC, Amazon VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड टू प्रोवाइड अ सिक्योर नेटवर्क। एक सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए जिन रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो, सो सिक्योर नेटवर्क टू द रिसोर्सेज। सो EC2 इज वर्किंग विद बेसिकली द Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड टू प्रोवाइड यू with the secure network to all the resources that you are going to utilize। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों features, details, information इस video के थ्रू जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था with the related topic EC2 मैं पहुंचा चुका हूँ। ये video अगर पसंद आ गया तो like कर दीजिए, उससे भी ज्यादा important जरूर इस video को share कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। Thanks a lot दोस्तों for watching this video।